दिग्गज एक्ट्रेस रेखा स्टार प्लस के लोकप्रिय शो गुम है किसी के प्यार में खास एंट्री करने वाली है। वो इस शो के नई सफर में दर्शकों को कलाकारों से रूबरू करवाएंगी। शो का प्रोमो आ चुका है जिसमें रेखा पेंटिंग बनाते हुए प्यार और रिश्ते में सम्मान की बात करती दिख रही है। वो एक रिश्ते में सम्मान के महत्व को बता रही है और प्यार की मुश्किलों के बारे में अपने विचार भी बता रही है। वो ये भी बता रही है कि कई बार हमें परिवार के लिए अपने प्यार का बलिदान भी करना पड़ता है। प्रोमो की शुरुआत पेंटिंग करते हुए रेखा की आंखों के साथ होती है। वो कहती है, किसी को सब मिल गया, जो मिले मोहब्बत में शिद्दत, हमें तो रब मिल गया। जो मिले मोहब्बत में इज्जत, कहते ही कि पहले जरूरत है मोहब्बत और मोहब्बत की पहली शर्त है इज्जत। कोई किसी को दिलो जान से चाहता है लेकिन खानदानी इज्जत के खातिर उसे अपनाना पड़ता है किसी और को। पल भर में अनसहा रिश्ता फर्ज बन जाता है और प्यार एक कर्ज। दिल फिर तड़पेंगे इंतजार में, आखिर ये गुम है किसी के प्यार में। साबे की कहानी के साथ आगे बढ़ रही है वो सफर जिसका स्वागत करने आई है खुद रेखा जी। इस नई दौर में कैसा होगा इस नई पीढ़ी का सफर, जानने के लिए देखिए गुम है किसी के प्यार में का नया सफर 28 जून से रात के 8 बजे ओनली ऑन स्टार प्लस। शो में ईशान के भूमिका निभाने वाले हैं शक्ति अरोड़ा। उन्होंने बताया है, रेखा जी के साथ स्क्रीन साझा करना बहुत सम्मान की बात है। मैंने उनके सभी फिल्में देखी है और हमेशा उनके अभिनय और उर्दू भाषा पर उनके पकड़ का प्रशंसक रहा हूँ। तो 28 जून से हमें गुम है किसी के प्यार में का जेनरेशन लिप देखने को मिलेगा। लिप के बाद हमें इस शो में शक्ति अरोड़ा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह नजर आने वाली है। शक्ति अरोड़ा इस शो में हमें ईशान के रोल में और भाविका शर्मा इस शो में हमें साबिक के रोल में नजर आने वाली है। शक्ति अरोड़ा और भाविका शर्मा का बिल्कुल नया जोड़ी हमें देखने को मिलेगा। तो कहानी तो पहले सीजन जैसा ही लग रहा है, तो देखने वाली बात हो कि न्यू सीजन में हमें कहानी कैसे आगे बढ़ने वाली है। तो प्रोमो को तो फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आप न्यू सीजन देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है वो भी आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। तो देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।